अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो के ड्रामास कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप पहली फुर्सत में आज ही देखना शुरू कर दें, क्योंकि अगर इनको नहीं देखा तो आपने एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट को मिस कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, कई। जियो टीवी पर कई नाम का ड्रामा इन दिनों ऑन एयर है। कंसेप्ट के हवाले से बात की जाए तो बुनियादी तौर पर ये कबायली दुश्मनी पर मबनी कहानी है जो दहाइयों चलती है। अमूमन इससे कई नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में फिल्माया गया ये सीरियल अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी ध्यान खींच रहा है। कई की कहानी संगमरमर जैसी लग रही है, लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसमें फैसल कुरैशी के वालिद का किरदार अदा करने वाले खालिद बट गुज़िश्ता हफ्ते इंतकाल कर गए हैं। कई का मायने किसी को मालूम हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। नंबर 9, जानी जहां। जियो और ARY ने तुरप का पत्ता फेंक दिया है, यानी अपने अपने बेहतरीन ड्रामे लॉन्च कर दिए हैं। जाने जहां और कई के बारे में आप जान चुके हैं। जाने जहां की एक साथ बेहतरीन थी। प्यारे अफजल की मशहूर जोड़ी को इतने सालों बाद स्क्रीन पर देखा गया। ड्रामा सीरियल जाने जहां से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि इसके साथ कुछ बहुत बड़े नाम जुड़े हैं, लेकिन इन आज एक साथ में कहानी में इस कदर झोल है और बेतुकापन है कि हमजा अब्बासी का लेवल और आयजा खान की खूबसूरती भी इनकी स्क्रीन केमिस्ट्रियों पर गलतियों का मदावा नहीं कर सकती। वैसे तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन इस वक्त सिर्फ दो ही बातें जहन में गर्दिश कर रही हैं। ये ड्रामे लिखने वाले मुसन्निफ कम अज़ कम ये तो सोच लिया करें कि कहानी में इतना झोल ना हो कि ड्रामे को ड्रामा समझने वाले भी सर पकड़ कर बैठ जाएं। नंबर 8, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद इख्तिताम पजीर हुआ। ये एक खालिस्तन हमारे मौशरे की अकासी करता ड्रामा था। मनफी किरदार इतने ही मनफी थे जितने मौशरे में अक्सरियत में मौजूद हैं। मस्बत भी कोई मावराई मखलूक नहीं दिखाए गए, ना कोई जालिम ना कोई मजलूम, सब रिश्तों को टैकल करने की कहानी। इस कहानी के कई पहलू काबिले जिक्र हैं। इन पे बात करने से पहले मैं इस ड्रामे के प्रोड्यूसर को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने हर वक्त मनफी पैगाम मार धाड़ उजड़बंद फक्कड़बंद दिखाने वाले ड्रामों के दौर में एक मस्बत और हकीकत से करीब तरीन ड्रामा पेश करके इन राइटर प्रोड्यूसर्स का मुंह बंद कर दिया, जो फरमाते हैं हम वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। हकीकत पसंदी से कहानी का ताना बाना बुना गया। बेटे के लिए इंतहा से ज्यादा पोजेसिव माँ, हर वक्त मेके में लटकी ब्याही बेटियाँ और उनके निकम्मे शौहर, बहनों के दूसरी बहनों के घरों में मुदाखलत। इसके साथ ये भी दिखाया गया कि ऐसे ही किरदार दूसरी तरफ भी थे, जैसे मन्नत का बड़ा भाई, लेकिन उनकी हर सियासफेद मान कर उनको शेयर नहीं दी जाती थी, तभी उनकी मनफियत या पोजेसिवनेस ने हदूद क्रॉस नहीं की और दूसरों की जिंदगियों में बिगाड़ पैदा नहीं किया। यहाँ ये सबक मिलता है कि घरों में आसपास ऐसे किरदार हों भी तो उनको अपनी जिंदगी की बाग दौड़ मत थमाएं, खुद मजबूत रहें, गलत दुरुस्त में तमीज रखें और अपने फैसले खुद करें। दूसरी अहम बात, जो लोग कहते हैं शादी के बाद पहले मर्द को परखो फिर औलाद पैदा करने की तरफ जाओ, वो नहीं जानते औलाद की ताकत के औलाद के लिए मर्द और औरत दोनों किस तरह खुद को संभालते हैं, किस तरह खुद को बदलते हैं। नंबर 7, सुकून। सुकून कहीं नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको सुकून चाहिए तो फिर आप ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल सुकून देख लें। इसको देखने के बाद दो बातें होंगी, या तो आपको सुकून मिल जाएगा या फिर रहा सहा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो जी हम आपको बताते चलें कि इस ड्रामे में हमारे एक शानदार अदाकार एहसन खान अपनी एक्टिंग स्किल दिखा रहे हैं। अब जहाँ पर एहसन खान है वहाँ पर व्यूवर्स के दिलों में बेचैनी तो होगी, क्योंकि एहसन ही वो एक्टर हैं जिनको हम बिल्कुल तवक्को नहीं कर पाते कि वो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं या विलन का। उडारी का इम्तियाज हो या क्यामत का राशिद या फिर किस्सा मेहरबानों वाला ऐसा मर्द जो बीवी का रिद करता है। अब सुकून ड्रामे में आप एहसन को एक अलग ही रूप में देखेंगे जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। नंबर 6, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है। जन्नत से आगे में जिस तरह मॉर्निंग शोज की असलियत दिखाई गई थी, इस ड्रामे में न्यूज चैनल्स की दिखा रहे हैं। ड्रामे में एक सीन में जब अमर खान को कहा जाता है सियासतदान से इस तरह के सवाल पूछने को, तो वो पहले हाँ कर देती है, लेकिन शो के दौरान अलग सवाल पूछती है। फिर इस पर जो मालिकान की तरफ से रिएक्शन आता है वही न्यूज चैनल्स की हकीकत है। ड्रामे में दिखाया गया कि जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो बहुत पुरजोश होते हैं कि मैं अपनी फील्ड में नाम रोशन करूंगा, मौशरे में बेहतरी के लिए काम करूंगा, तब्दीली लाऊंगा। लेकिन जब उसका वास्ता इस फील्ड के सीनियर से पड़ता है तो उस पर असलियत खुलती है कि जो किताबों में पढ़ा था वो बस क्लासरूम तक ही था। हकीकत बहुत भयानक है। ड्रामे में अमर खान और हमजा सुहेल का किरदार भी ऐसा है, जिसमें अमर खान तालीम मुकम्मल करने के बाद काफी अरसे से कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह किसी न्यूज चैनल में बतौर एंकर जॉब मिल जाए,
दूसरी तरफ हमजा एक न्यूज चैनल में प्रोग्राम प्रोड्यूसर के काम कर रहा है। दोनों माशरे में बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन दोनों को ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ रहा है जो कभी सोचा भी नहीं है। अमर तो आवाज़ भी उठाती है चैनल वाले कान के सामने, जो आप दिखा रहे हैं ये असल जर्नलिज्म नहीं है, लिफाफा जर्नलिज्म है। इस पर उसको चैनल से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। अब ऐसे हालात में तो वो नया बंदा भी लिफाफा सहाफी बन जाता है या फिर लानत भेजकर मुल्क ही छोड़ देता है। ये ड्रामा देखना चाहिए आपको, अभी तक तो कहानी बहुत ही अच्छी चल रही है। नंबर 5, मोर चाल। मोर चाल एक नया ड्रामा है। कहानी शुरू होती है सस्पेंस से, और सस्पेंस भी इतना कि बंदे को कुछ नजर ही ना आए। वैसे अगर आवाजों को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बंदे को रेल के हवाले कर दिया, यानी कि रेल के नीचे देकर मार दिया है। अब इस सीन की क्या कहानी है अगर अभी बता दिया तो आप सबका सस्पेंस खराब होगा, क्योंकि जितना ये जबरदस्त ड्रामा है वो आप देखेंगे तो जान जाएंगे। वैसे मैंने के रहमान साहब के ज्यादा ड्रामे तो नहीं देखे, हाँ लेकिन इससे पहले उनका ड्रामा मोर चाल देखा था। जुदा हुए कुछ इस तरह ड्रामे में भी बहुत सस्पेंस था। मैंने जब उसकी पहली किस्त देखी तो बिल्कुल ऐसे ही फैन हो गई जैसे ड्रामे मोर चाल ने अपने जाल में फंसा लिया है। अभी पहली किस्त देखी है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी ड्रामे की कहानी इतनी जबरदस्त है कि देखते हुए मजा आ जाता है। नंबर 4, कुमार। कुमार फिरोज खान और नीलम मुनीर का नया ड्रामा सीरियल है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि खूबरू अदाकार फिरोज खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सितारों में से एक हैं, जो अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से मदाहों के दिलों पर राज करते हैं। महामली की तहरीकदा या एकतरफा मोहब्बत की कहानी एक हादसे की सूरत जिंदगी में शादमानी लाएगी या फिर तबकाती फर्क दिलों के साथ रिश्तों को भी तोड़ देगा, ये सब इस कहानी के दौरान सामने लाया जाएगा। फिरोज खान और नीलम मुनीर के हमराह ड्रामा सीरियल की मेगा स्टार कास्ट में हिना ब्याज, शहरयार जैदी, जैनब क्यूम, बहरोज सब्जवारी, अस्मा अब्बास, महमूद अख्तर और दीगर शामिल हैं। तमाम फनकारों ने इस सीरियल में अली फिजान की हिदायत में नहायत खूबसूरती से अपने किरदारों को निभाया है। दिलचस्प कहानी के साथ ड्रामा सीरियल कुमार का ओएसटी एम मुश्तबा की शायरी में साहिर अली बग्गा ने अपने कंपोजिशन और आवाज के साथ इंतहाई मशहूर कुन बना दिया है। नंबर 3, चांद तारा। ड्रामा सीरियल चांद तारा रमजान सीरियल था। ड्रामे की हीरोइन डॉक्टर नैन तारा एक गायनेकोलॉजिस्ट, जिम्मेदार लेडी डॉक्टर, हसास, सबका ख्याल रखने वाली, सिंगल चाइल्ड, तन्हाई का शिकार, जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ख्वाहिश रखने वाली सुलझी हुई और समझदार लड़की का ये किरदार मनफियत से भरपूर हीरोइंस की बर्ताद में एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ। इस किरदार को बेहतरीन अदाकारा आयजा खान ने निभाया। तारा एक समझदार बेटी, फर्शनाज डॉक्टर और रिश्तों को जोड़ने वाली बहू के तौर पर सामने आई। इस किरदार ने एक ऐसी औरत की कहानी बयान की जो अपनी मुश्किल जॉब और खानदान भर को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। तारा ने जब बहू का रूप धारा तो बजाय अलग घर का मुतालबा करने और मनफियत फैलाने के, मोहब्बतें बांटने और वसूलने पर जोर दिया। नंबर 2, झोंक सरकार। हम टीवी का पेश करदा मरूफ टीवी सीरियल झोंक सरकार को हाशिम नदीम ने तहरीर किया। मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस और सैफ हसन ने हिदायतकारी की। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुसन्निफ हाशिम नदीम, अदाकार फरहान सईद और आसिफ रजा मीर ही बहुत से नाजरीन की बुनियादी वजह थे कि वो झोंक सरकार को देखें। झोंक सरकार की कहानी जागीरदाराना माहौल में इकतदार की कशमकश के गिर्द घूमती है। यही वजह है कि ये मौजू इसे दूसरे ड्रामों से अलग करता है। नंबर 1, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद ड्रामे की शुरुआत हुई बरसती बारिश से और हॉस्पिटल के सीन से, और अच्छी बात यहाँ हीरोइन ने काले कपड़े पहन रखे थे। और दूसरा, हीरो की एंट्री कोई खास नहीं लगी। अगर वो होता फिरोज खान या दानिश तैमूर तो वाह, या एक दो कैमरे ये कदमों से शुरू होते और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मुंह तक पहुँचते कोई हादसा, कोई लड़ाई, रिश्वत जैसे नासूर पर बना ये दो लोगों की खूबसूरत जोड़ी से सजा ड्रामा मुझे बेहद पसंद आया। ये व्यूवर्स, मैं इसे देखने पर मजबूर हो गई। और इस ड्रामे में तो क्या कमाल अदाकारी है और क्या हसीन चेहरे के तासुरात और असरात हैं। हमारे हीरो को गाड़ियां ही चलानी नहीं आती, हमारा हीरो साइकिल चला लेता है। क्या खूबसूरत सीन था। ये सारा ड्रामा नौजवान नस्ल का ड्रामा है। हीरोइन की दोस्त और हीरो का दोस्त, फिर हीरोइन की बहन और कजन बहनोई, ये ट्रैक्स भी अच्छे हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।